सो हाय गाइस, आ चुका एक नए वीडियो में। सो आपको भी इस टाइप से फोटो में ब्लैक टोन लाना है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, एंड बेल के आइकन को ऑल पे सेट करके प्लीज़ ऑल पे सेट कर लें, ताकि इस टाइप से फोटो एडिटिंग की वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले आ सके। सो कुछ इस टाइप से ब्लैक टोन लाना है, सो ऑल पे कर लेना ताकि वीडियो डालो तो सबसे पहले आप तक आ सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सिंपली लाइटरूम ओपन कर लेंगे। सो लाइटरूम ओपन करने के बाद लाइटरूम पे फोटो ऐड कर लेना है। सो लाइटरूम पे फोटो ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सो ऐड करने के बाद आपको ऑटो पे क्लिक करेंगे। सो ऑटो पे क्लिक करने के बाद जाना है लाइट पे, देन लाइट पे जाने के बाद हल्का सा कंट्रास्ट को प्लेस करेंगे। नाइनटीन के अराउंड आसपास, देन नीचे चले जाना है, देन वाइट पे जाना है। सो वाइट को माइनस कर देंगे, 45 के अराउंड आसपास रख देंगे। देन ब्लैक्स को भी हल्का सा माइनस कर देना है, 42। सो इतना करने के बाद आ जाना है बैक। सो बैक आने के बाद जाना है कलर पे। सो कलर पे जाने के बाद हल्का सा टेंट को माइनस कर देना है, 6 के राउंड आसपास। सो इतना करने के बाद जाना है मिक्स पे। सो मिक्स पे जाने के बाद ब्लू कलर पे क्लिक करेंगे, देन उसका ह्यू को हल्का सा माइनस कर देंगे, 43। देन इतना करने के बाद जाना है ग्रीन पे। ग्रीन पे जाने के बाद ह्यू को माइनस कर देना है, देन सेचुरेशन को माइनस कर देना है, देन ब्लूनेस को हल्का सा प्लेस कर देना है। सो प्लेस करने के बाद जाना है ऑरेंज कलर पे, देन ऑरेंज कलर पे जाने के बाद सेचुरेशन को हल्का सा माइनस कर देना है, 18-19 के अराउंड आसपास कर देना है। देन ब्लूनेस को प्लेस कर देना है 27 के अराउंड आसपास। सो इतना करने के बाद जाना है ब्लू कलर पे, ये कलर पे को इसको माइनस कर देना है 59 के अराउंड आसपास, देन सेचुरेशन को बढ़ा देना है 45 के पास रख देना है। ब्लूनेस को हल्का सा प्लेस कर लेंगे, देन कर देना है डन। सो डन करने के बाद जाना है ग्रेडिंग पे। ग्रेडिंग में जाने के बाद इसको हल्का सा ब्लू साइड करेंगे। सो इतना करने के बाद जाना है ब्लूनेस पे, नीचे स्क्रॉल डाउन करके देन इसका माइनस कर देंगे आप ब्लूनेस को 41 के अराउंड आसपास रख देंगे। सो इतना करने के बाद कर देना है डन। सो डन करने के बाद आ जाना है बैक। सो बैक आने के बाद जाना है इफेक्ट पे। सो इफेक्ट पे जाने के बाद क्लैरिटी को हल्का सा प्रेस कर लेंगे, 32 के अराउंड आसपास रख देंगे। सो इतना करने के बाद आ जाना है बैक। सो बैक आने के बाद कुछ इस टाइप से आपका फोटो बन जाएगा। बिफोर देन आफ्टर, सो कितना अच्छे से बना है ब्लैक टोन। सो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, एंड इस टाइप से फोटो एडिटिंग सीखना है। सो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को ऑल पर सेट करके प्लीज़ ऑल पर सेट कर लें, ताकि इस टाइप से फोटो एडिटिंग की वीडियोज डालूँ तो आप तक सबसे पहले आ सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।